अरे हम दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बना रहे श्री राम और सीता मैया की मूर्ति। तो दोस्तों पहले तो हमने श्री राम जी की मूर्ति बना देंगे पहले, पार्ट वन ये समझ लीजिएगा, और दोस्तों पार्ट टू में सीता मैया को बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों दो कॉयल बना लेंगे। कॉयल बनाने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो भाग कर देंगे और उसी को दोस्तों एक लकड़ी के सहारे वहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों पहले तो एक लकड़ी वहाँ पे गाड़ दिए जो कि बेस पे, और दोस्तों वहाँ पे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे दो कॉयल को कुछ इस टाइप से वहाँ पे जॉइंट कर देंगे दोस्तों, और उसी के ऊपर दोस्तों उसके बाद दोस्तों स्लेब छोटा छोटा बना करके दोस्तों धोती बनाने के लिए दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से मिट्टी मतलब स्लेब की मिट्टी को इसी प्रकार से जॉइंट करते जाएंगे, और इसी को दोस्तों हमने धोती का स्ट्रक्चर बना दिए हैं। और धोती का स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोस्तों भी गोला करके मिट्टियाँ ले लेंगे और दोस्तों उसे दोस्तों वहाँ पे इस प्रकार से वहाँ पे जॉइंट कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों पहले तो हम धोती का स्ट्रक्चर बना दिए थे, अभी दोस्तों धोती को पहले बना देते हैं। तो पहले तो लंबा सा कोयल बना देंगे और दोस्तों वहाँ पे स्टूल की मदद से लकीर मतलब फोल्ड को बना लेंगे, और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे बना करके दोस्तों वहाँ पे ब्रश की मदद से वहाँ पे क्लीन कर लेंगे कुछ इस तरह। और दोस्तों ये बन के रेडी हो गया हमारा धोती श्री राम भगवान की। तो इसी प्रकार से बनाते जाएंगे दोस्तों। धोती को बना देने के बाद दोस्तों पैरों की जो कि गहने वगैरह वो भी बना दिए, और अभी दोस्तों हमने बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसे बना दिए थे, अभी दोस्तों उसे डिटेलिंग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों बनाते जा रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। शरीर का बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे हैं कमर बंधन मतलब कमर का गहना बना रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक वहाँ पे गोल का बॉल का प्रेस कर लेंगे बॉल बना के, और दोस्तों साइड में दो छोटा छोटा कॉइल लेके वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेस कर लेंगे, और टूल की मदद से एक सादा सीधा सा डिज़ाइन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों गहना बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे हैं हाथ को दोस्तों। हाथ को भी दोस्तों जैसे पैर को बनाए थे दोस्तों कॉयल बना करके, उसी प्रकार से दोस्तों हाथ को भी कॉयल बना करके दोस्तों इसी प्रकार से दो भाग करके दो हाथ को लिए बना लेंगे दोस्तों इसी प्रकार से, और उसे दोस्तों इसी प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। एक हाथ में तो धनुष पकड़ के रखेगा और दूसरे हाथ में तो आशीर्वाद बहता रहेगा कुछ इस प्रकार का राम जी की मूर्ति बना रहे दोस्तों। और दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों और वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है सीता मैया को बनाने का वीडियो। तो दोस्तों एक राम जी को तो बनाने का वीडियो देख लिया तो दोस्तों वो तो अधूरा हो जाएगा सीता मैया के बिना। तो दोस्तों सीता मैया के और राम भगवान की पूरी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे सीता मैया के वीडियो को देख सकूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चले आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अभी दोस्तों बना रहे हैं हाथ की गहने वगैरह। दोस्तों पहले हाथ को गहने को बनाने के लिए दोस्तों हमने छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे और उसे दोस्तों कुछ इस प्रकार चिपका दिए हैं देख सकते हो। गहने बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे हैं फेस को। फेस को बनाने के लिए दोस्तों एक गोला करके मिट्टियाँ ले लेंगे कुछ फेस के हिसाब से, और दोस्तों उसी को दोस्तों हमने थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे आँख को जहाँ पे बनाएंगे, और उसी जगह पे दोस्तों जहाँ पे नोज बनाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और दोस्तों वहाँ पे नोज के हिसाब से दे देंगे। और दोस्तों अभी होंठ को बना रहे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, तो टूल की मदद से बनाते जाएंगे दोस्तों, पूरी देखते रहिएगा डिटेल्स में बनना समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों बनाते जाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में।
पेस्ट को बना देने के बाद दोस्तों अभी वहाँ पे देख तो वहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा मिट्टी वहाँ पे दे दे करके, और इसी प्रकार से दोस्तों पानी की मदद से वहाँ पे क्लीन कर लेंगे और चिपका भी लेंगे वहाँ पे। और अभी दोस्तों वहाँ पे बाल को बना लेंगे, पहले तो पीछे की साइड का बाल बना लेंगे क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पीछे की साइड दे देंगे तो थोड़ा बहुत पेस्ट का सपोर्ट बन जाएगा दोस्तों, तो पहले इसीलिए दे देते हैं मतलब बना देंगे। और अभी दोस्तों सामने के बाल भी बना दिए, और अभी दोस्तों हमने बना रहे श्री राम भगवान के मुकुट को। दोस्तों मुकुट को तो हमने सिंपल ही बना देंगे कुछ इसी टाइप से। दोस्तों मुकुट को बना देने के बाद दोस्तों पीछे का जो रहता है ना मुकुट के पीछे, उसी को दोस्तों बना रहे हैं। दोस्तों पहले तो गोल करके दोस्तों उसे चपटा कर लेंगे, और चपटा करके दोस्तों छोटा छोटा गोल बना करके दोस्तों इसे चारों तरफ बना लेंगे, और दोस्तों उसे लकड़ी की मदद से पीछे की साइड से कुछ इस प्रकार से वहाँ पर चिपका लेंगे। दोस्तों चिपका देने के बाद दोस्तों अभी तीर को पकड़ने के लिए दोस्तों वहाँ पर एक बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट बना देने के बाद दोस्तों गले का हार बना लेंगे। पहले हार बनाने के लिए दोस्तों हमने कॉइल बना लेंगे, और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे टूल की मदद से बस इसी प्रकार का डिज़ाइन बना लेंगे। दोस्तों हार बना देने के बाद बीच में जो स्टोन होता है उसी को दोस्तों बना देंगे कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों वहाँ पे हाथ पे भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह कर लेंगे। और बना देने के बाद दोस्तों अभी बना रहे जो कि तीर को, मतलब तीर रखने वाला, और तीर को दोस्तों इसी प्रकार के से टूल की मदद से बना देंगे। अभी दोस्तों अभी बना रहे धनुष को। धनुष को बनाने के लिए दोस्तों हमने एक बाउंस का जो एक लकड़ी ले ली, और उसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से रस्सी की मदद से बांध लिए और दोनों साइड में, और इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो धनुष बनकर रेडी, इसी को दोस्तों राम जी को पकड़े देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों धनुष को पकड़ा देने के बाद हमारा जो कि मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों ये देख सकते हो ये राम जी का फाइनल लुक। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।